राजभर का बयान सामने आया। दिल्ली से खबर आपको दे रहे हैं, बीजेपी घोसी सांसद हरिनारायण राजभर का बयान। बीजेपी के सांसद हैं हरिनारायण राजभर। जनता खुद जाकर मंदिर का निर्माण करे, वो कह रहे हैं कि जनता खुद जाए और खुद जाकर वहां पर मंदिर का निर्माण करे। राम मंदिर पर हमने कानून बनाने की मांग की, हमने सरकार से कानून बनाने की मांग की है। राजनाथ सिंह जी ने धैर्य रखने की बात कही है। 1992 में विवादित ढांचा जनता ने ध्वस्त किया, अब विवाद का जड़ समाप्त हुआ। जनता से अपील है कि राम मंदिर का रूप जनता दे। देश का मुसलमान भी चाहता है कि जल्दी से राम मंदिर का निर्माण हो। हमने एक सांसद के हैसियत से राम मंदिर को का निर्माण कराने के लिए स्वतः सरकार से कानून बनाने की बात मैंने कहा। कानून बना करके उस राम मंदिर बनाने का रास्ता सुलभ किया जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने धैर्य रखने की बात कहा। अब जनता को चाहिए, बीस हिंदू परिषद को चाहिए कि जनता यानी संतों को चाहिए कि इकट्ठा होकर वो अपने स्तर से राम मंदिर का निर्माण करें। अब इसी पर मेरे सहयोगी रवि सराफ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि के पास सीधे चलते हैं। रवि, सांसद हरिनारायण साहब कह रहे हैं कि जनता खुद जाएं और खुद जाकर राम मंदिर का निर्माण करें, क्या और उन्होंने वहां पर कहा, विस्तार से बताइएगा जरा। जी दीपा, देखिए बिल्कुल, सांसद हरिनारायण राजभर ने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने संसदीय समिति की बैठक के दौरान ये मुद्दा उठाया कि राम मंदिर को लेकर सरकार जो है वो कानून लेकर आए, कानून बनाने की मांग की उन्होंने। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें कहा है कि वो इस मामले को लेकर धैर्य रखें, सरकार इस पर जल्द ही कुछ ना कुछ करेगी, पर फिलहाल जो है धैर्य रखें। उन्होंने ये भी अपील किया कि जनता खुद राम मंदिर का निर्माण करे, क्योंकि जिस तरह से बाबरी विध्वंस किया गया था, ढांचा गिराया गया था, उन्होंने कहा कि जनता ने खुद गिराया था, तो मंदिर निर्माण की जहां तक बात है तो जनता खुद अयोध्या जाए और वहां पर राम मंदिर का निर्माण करे। उन्होंने साथ ही साधु संतों को भी आह्वान किया है कि साधु संत जो है एक साथ जनता को अपील करे, जनता के साथ वो अयोध्या जाए और राम मंदिर का निर्माण करे। तो दीपा, देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि साधु संत जो है वो सरकार से नाराज है कि सरकार जो है इस पर कानून नहीं बना रही है, सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं निकल कर आ रहा है राम मंदिर को लेकर, और सरकार से इधर सांसद कहते हैं, भाजपा के सांसद हरिनारायण राजभर, की साधु संत जनता से अपील करे और जनता को लेकर अयोध्या जाए और राम मंदिर का निर्माण। बिल्कुल रवि, बेहद चौंकाने वाला ये मामला, बेहद चौंकाने वाली बात कही हरिनारायण साहब ने। बिल्कुल चौंकाने वाली बात कही उन्होंने कि सरकार पर जिम्मेदारी है और सरकार के लोग ही ये कह रहे हैं कि सांसद हैं यही कह रहे हैं कि जनता खुद जाकर बनाए। और रवि, एक बात उन्होंने कही कि 50 सालों से न्यायालय का सम्मान हो रहा है, न्यायालय को लेकर भी सवाल वो उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान ही हो रहा है 50 सालों से। जी बिल्कुल, मैंने उनसे पूछा कि वो न्यायालय का जो भी फैसला है उसका सम्मान करेंगे, न्यायालय के रूप को किस तरह का देखते, तो उन्होंने न्यायालय को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 50 वर्षों से मामला चलता आ रहा है और न्यायालय इस मामले में। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर आऊंगी। इसी पर मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। मतीन खान साहब, बीजेपी के सांसद हैं हरिनारायण राजभर, कह रहे हैं कि जनता खुद वहां पर जाएं और खुद ही राम मंदिर का निर्माण करें, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम भी यही चाहते हैं। देखिए, कोई मुसलमान और देश का जो भी सेक्युलर और इंसाफ पसंद हिंदू है वो भारत के संविधान पर आस्था रखता है, भारत के कानून पर भरोसा रखता है, अदालतों का सम्मान करता है। ये पता नहीं कैसे कुछ लोग जो हैं, जो लोग जनता ने किसी तरह से जो भी तरीका कर रहा हो चुन लिए गए, ये बुनियादी तौर पर ये इस देश के अंदर संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, आने वाले वक्त में इनको खुद पता चल जाएगा। बुनियादी चीज जो अवामी मसाइल थे उन मसाइल का निपटारा ये कर नहीं पाए। देश के अंदर अराजकता फैलती चली जा रही है। अभी आप देख ले के बुलंदशहर में क्या मामला हुआ, लखनऊ में तो भाजयुमे का जो युवा नेता थे उनके उन्होंने क्या मनगढ़ंत कहानी रच करके जो मामला रखा है। तो ये इसी तरह के लोग हैं, ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतिन खान, आप बनी रहिए हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, आपके सांसद ये कह रहे हैं हरिनारायण राजभर कि सरकार से अब कुछ नहीं होगा, जनता और संत खुद जाएं और वहां पर मंदिर का निर्माण करें, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है और ऊपर से आपके सांसद आकर ये सब बोलते हैं। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण का
इंतजार हिंदू समाज करता रहा है और हिंदू समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, इस प्रकार की भावना उनका होना बहुत स्वाभाविक है और ऐसी बयानबाजी करना वो भी स्वाभाविक है। नहीं नहीं, आमजन की भावना है ये और इस भावना को मुझे लगता है कि सबको समझना चाहिए, उस मुस्लिम पक्ष को भी समझना चाहिए जिसने जानबूझकर के इस पूरे मामले को लिंगर ऑन कर रखा है, वरना 1994 के इस्माइल फारूकी के केस को हवाला देते हुए जिस तरह से इस पूरे मामले को 1.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में और लटकाने का काम किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे जिस अपने इसको प्राथमिकता में नहीं है ऐसा कहा है, इसके कारण लोगों की भावनाएं आक्रोशित हुई हैं। बावजूद इसके मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी भारत की राज्य भारत के संविधान का पालन करती है और भारत के संविधान के परिधि के अनुसार ही मंदिर का निर्माण की कल्पना में विश्वास रखती है। मंदिर निर्माण जरूर होगा और जल्द होगा। राकेश त्रिपाठी साहब, मंदिर निर्माण जब होगा तब होगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो कोई जवाब है नहीं। जब सवाल आपके सांसद से पूछा गया कि आप लोग कब मंदिर का निर्माण करेंगे, वो कह रहे हैं कि जनता खुद तय करे, संत वहां पर जाएं और खुद राम मंदिर का निर्माण करें। हम बस आपसे ये चाहते हैं कि वो जो कहना चाह रहे थे हरिनारायण साहब, वो जरा आप समझा दें हमारे दर्शकों को, क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट है, जनता चाहेगी तो जनता चाह करके भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक विकल्प लेने के लिए हमको स्थितियां प्रदान करेगी। निश्चित तौर पर राज्यसभा दोनों जगह बहुमत होगी, राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह बहुमत होगा और जब विपक्ष के नेता हमारे साथ खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर मंदिर निर्माण होगा। ये जनता को ही तय करना है, जनता विपक्षी दलों पर इतना दबाव बनाए कि विपक्षी दल इस संदर्भ में अपनी राय स्पष्ट करके आए कि वो राम मंदिर। आप लोगों को देश के संविधान पर कोर्ट पर भरोसा ही नहीं है राकेश त्रिपाठी साहब, वो कह रहे हैं। हरिनारायण साहब खुद कह रहे हैं कि संविधान का सम्मान बहुत हो गया 50 सालों से, वो कह रहे हैं कि सम्मान ही हम लोग करते आए हैं, अब जनता खुद तय करें। ठीक है, मौलाना मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए। मतीन खान साहब बोलिए। हाँ मतीन खान साहब बोलिए। अरे ये लोग असल में सब लोग ये एक एक करके आ रहे हैं, इनका मकसद ये है कि लोगों को गुमराह करना, बुनियादी मकसद है लोगों को गुमराह करके। काम किए नहीं है, जनता ने पूरी तरह से नकाम किया है। अभी भाई इलेक्शन हो गया और स्टेट के इलेक्शन हो, उसमें जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। अब ये बिल्कुल अपनी हदों से मिलते गिरते चले जा रहे हैं और ये सिर्फ राम का सहारा लेकर के ये जो मामला बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है और बयानबाजियां खुलकर हो रही है सार्वजनिक तौर पर। शुक्रिया आपका राकेश त्रिपाठी साहब, और मतीन खान साहब आपका भी शुक्रिया। रवि सराफ दिल्ली से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। रवि, बेहद चौंकाने वाली बात है ये पूरा मामला, ये चौंकाने वाला कि जब आपने सवाल किया सांसद साहब से, वो कह रहे हैं कि जनता और संत वहां पर जाए और खुद जाकर राम मंदिर का निर्माण करे, क्योंकि उनके पास कोई हल नहीं है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल दीपा, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जनता खुद जाए अयोध्या और राम मंदिर का निर्माण करे, क्योंकि 1992 में जनता गई थी और बाबरी विध्वंस जनता ने किया था। तो अब अगर राम मंदिर निर्माण की बात करें तो जनता खुद जाए। तो देखिए, एक तरफ सरकार जो है इस पूरे मामले पे बसती हुई नजर आ रही है, सरकार की तरफ से कुछ बयान नहीं आता है, सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल की बात करें तो उस तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं होता है, पर कुछ सांसद ऐसे जो खुलकर बयानबाजी करें तो ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है तो बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है पक्ष की तरफ से, और लगातार इसी कड़ी में देखने को मिलता है। रुक रुक कर कभी गिरिराज सिंह कुछ बोलते हैं, कभी कोई। बिल्कुल रवि, ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।